ये जो है ये 15वां साल है, 14वां साल है, ये थोड़ा फेमस है। और इससे फेमस अगर आपको देखना है तो बिस्किट ब्लॉक में सिंगिया करके एक जगह है, वहाँ पे होता है, सिंगिया में वहाँ पे होता है। दूसरा महाराज साहब का जो नौलखा मंदिर है उसके अंदर गुप्त नवरात्रि ये होते हैं, और चौथा जो है अखाड़ में होता है। विधान से सब वही है मगर ये मूर्ति बनता नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा इसका हो गया है, विसर्जन नहीं होता है। कितने दिन पहले यहाँ प्राण पर 2011 से शुरू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ मोनिका। माघी दुर्गा पूजा जगतपुर से शुभ कलश यात्रा निकाला गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुंवारी कन्या शामिल थी। देखिए मंदिर की पंडित से यह बातचीत। नाम हुआ पंडित काशीनाथ झा शास्त्री जी। ये दुर्गा पूजा गुप्त दुर्गा पूजा माना जाता है। दुर्गा पूजा ये सामान्य दुर्गा पूजा जैसा होता है या इसमें कुछ अलग विधि विधान होता है? देखिए विधान से सब वही है मगर ये मूर्ति बनता नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा इसका हो गया है, विसर्जन नहीं होता है। कितने दिन पहले यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ था? कोई प्राण पर 2011 से शुरू है। 2011 से? हाँ। तो ये यहीं पे ऐसा होता है या जहाँ पे भी गुप्त दुर्गा पूजा होता है? हाँ। ये यही जगह पे नहीं प्राण मतलब बनता है मूर्ति या कहीं भी नहीं बनता है? नहीं, यहाँ जो है ना माघी नवरात्रा यही होता है मधुबनी जिला में यही होता है माघी नवरात्रा। और भी कहीं पे होता है? नहीं, माघी दुर्गा पूजा इधर नहीं होता, यहीं पे होता है। हाँ, यहीं से शुरू है जी। हाँ, क्या बताइए। ये जो है गुप्त नवरात्रि है मधुबनी जिला में, ये जो है ये 15वां साल है, 14वां साल है, ये थोड़ा फेमस है। और इससे फेमस अगर आपको देखना है तो बिस्किट ब्लॉक में सिंगिया करके एक जगह है, वहाँ पे होता है, सिंगिया में वहाँ पे होता है। दूसरा महाराज साहब का जो नौलखा मंदिर है उसके अंदर गुप्त नवरात्रि ये होते हैं, और चौथा जो है अखाड़ में होता है, वो होता है जी। दो गुप्त नवरात्रि है। अच्छा, क्या कुछ अंतर होता है सामान्य नवरात्रि और इस नवरात्रि में? अंतर कुछ नहीं है, अंतर सेम ही है। जैसा हम आप शारदीय नवरात्रि आसिन में मनाते हैं, चैत नवरात्रि जिसको बसंत नवरात्रि बोलते हैं वो मनाते हैं, है सब वही। मैया का अलग अलग मंथ में जो है अलग अलग ऋतु में पूजा होता है, और फर्क कुछ नहीं है, उसी विधि विधान से इनका भी पूजा हो रहा है। माना जाता है कि अलग अलग माँ की शक्तियाँ जो होती है वो इस टाइम पर उस चीज का आवाहन किया जाता है। हाँ जी, तो ये 9 दिन पूजा चलेगा? 9 दिन पूजा चलेगा, जैसा हमारा शारदीय नवरात्रि जिसको हम आसिन नवरात्रि बोलते हैं वो होता है, वैसा ही ये भी हो रहा है, और उसी ढंग से विधि वैदिक विधि से हम लोग पूजा कर रहे हैं। और ये जो जगह है पर्सनली ये अपने घर में कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा इतना फेमस नहीं है जैसा हमारा चैत नवरात्रि होता है जगतपुर पंचायत में, उस हिसाब से ये नहीं है। और हम श्रद्धालु सबसे आग्रह करेंगे कि इसमें भी हर वर्ष बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस पूजा को भी एक मकाम पे पहुंचाएं।